सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपको अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी व्लॉग। जस्ट नहा धोके तैयार हुआ, अभी घर से निकला हूँ, जल्दी से सानू को स्कूल से लेके आता हूँ, काफी लेट हो चुकी है। तो भाई सानू स्कूल से तो आ चुकी है। वो देखो बच्चे वो कैसे बिठा दिया हाथ पकड़ के भाई साहब। ये तो क्या कर रहे हो चाचू? मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं अरे पागल, शीशा डाउन कर दिया भाई, लॉक कर देता हूँ। अलबादी अलबादी सानू भी अलबादी बोल दिया। क्या चाहिए? क्या दीवार ईट चाहिए? ईट खाओगे? सो गाइस ये देखो साइड में गोलगप्पे वाला खड़ा है, सानू बोले मेरे को गोपल लेके ला दो। ये देखो भाई मैं सानू के लिए चीज लेने गया, ये ड्राइविंग सीट पे आ गई। चलो ड्राइविंग सीट से हटो, जल्दी वहां से हटो। क्या घुमा के लाया स्कूटी? ट्यूशन में जा रहा था। अच्छा ट्यूशन में जा रहा है, लेट हो जाएगा, पहुंच जा जल्दी से। गाइस अभी गाड़ी से सीधा ही जा रहा था मैं, सामने से मैंने स्कूटी वाले देख लिया, सामने से ही आ रहा था, उसने मेरे ख्याल से गाड़ी पहचान ली, पीछे अलबादी लिखा हुआ ना वो स्टिकर देख के फुटी मोड़ ली थी। आप लोग भी कहीं देखो तो अभी बिना शर्माए बोल लिया करो, कुछ बंदे पता नहीं डर के शर्मा के उसे देखते रहेंगे, पास ही नहीं आ पाते। गाइस अभी यहाँ पे आया था, इन्होंने गाड़ी ही साइड में लगवा दी भाई, क्या गाड़ी के पीछे ही बाइक लगा दी, अभी गाड़ी साइड में लगानी पड़ी वरना यहाँ पे जाम लग जाता। गाइस आज शाम के टाइम तो अपने इतने ज्यादा सब्सक्राइबर मिले और भी काफी लोग बोलते की भाई आप रुकते नहीं। भाई अगर खुला रोड है तो वहाँ पे तो मैं रुक जाता हूँ, अगर मार्केट में होना वहाँ पे ट्रैफिक जाता है, इसलिए मार्केट में रुकना मुश्किल हो जाता है। सो गाइस अभी घर से तो निकल लिया था और डॉल भी साथ लेके आया हूँ। अभी मोहित और विवेक के पास कॉल की तो वो सारी इकट्ठे हो रखे हैं। ये खड़ी विवेक की गाड़ी, विनीत तो भारी घूम रहा है। चलो बैठो जल्दी बैठो यार। तू भाई आप गलत आ गए भाई, ये बेचारे रास्ता भूले बैठे है, क्या बहस करने लग गया इनके साथ, मारेंगे चारों उतर के। बहुत ज्यादा कर दिया पहले यार, वो कल की तरह भाग जाएगा यार, जल्दी चल। सो गाइस पौने आठ हो चुके हैं, चल चल अभी मंदिर साइड जा रहे हो, और आज इतने चौड़े चौड़े रोड से लेके आया, उस दिन पता नहीं हमें कहाँ घुसवा दिया था गलियों में। अगर तू हमें पहले ही साफ रास्ते से लिया था तो टायर वायर तो नहीं फटा। अरे तो मेरे को थोड़ी ना पता था कि उस वाले रास्ते पे वो कांटे पड़े या फिर वो चीज पड़ी होगी यार। गाइस मंदिर के सामने तो आ चुके, ये उस सामने वाले रास्ते से लेके आ रहा था, वो पतली सी गली है। अभी पंडित जी पूजा वगैरह कर रहे थे, अभी बाहर वेट कर रहे हैं उनका। इसको देख लो भाई, यहाँ से प्रसाद उठा के खा लिया मंदिर से ही। अबे साले तभी पैसे भी तो उठा लाया अंदर से, पैसे भी उठा लाया, गलत बात है भाई, ये चीज नहीं करते। पंडित जी तो आ चुके हैं, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित, आपने तो बोला था कि वहाँ पे कोई पंडित होगा, बट वहाँ पे कोई नहीं था। है कि वहाँ पे था पंडित लेकिन काफी साल बीत गए हैं, चला गया होगा। हाँ यार ये बात है यार, काफी टाइम हो गया तो यार चला भी गया। वही तो वो जगह ऐसी है, उसके आसपास तो कुछ है भी नहीं, 5-5, 10-10 किलोमीटर खाली पड़ा हुआ है। आपको पता है कि जो वो ओल्ड बीच है वो उस मंदिर के अंदर तक आ गई थी। कोई बात नहीं, अगर पंडित जी नहीं है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, मैं अभी लेके आता हूँ। क्या पता आप उस उपाय से कुछ ठीक हो जाए भाई। ये क्या पंडित जी? ये देखा चारों तरफ से, फिर वो अंदर नहीं आएगी। ये पक्का काम करेगा? ये पक्का काम। पंडित जी ने रेखा बनाने के लिए कुछ चीज तो दी है जिससे वो अंदर नहीं आ सकती। पंडित के लिए उन्होंने ये बोला है कि वो ना मतलब उनका भी कोई कांटेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वो हो या फिर ना हो, क्योंकि वो कभी वो आते कभी वो नहीं आते हैं। वहाँ दूर दूर तक कोई रहता ही नहीं है भाई, उसका कांटेक्ट ही नहीं होता किसी से भाई। तो भाई किसी को पता भी नहीं चल पाता कि वो कब आते कब नहीं। तभी तो ऐसे निकले, जो उस पंडित जी ने चीजें दी थी वो सारी चीज भी लिया और डोल वगैरह भी लिया। यार जल्दी से चले यार, अभी तो सिर्फ 8:30 हुए, जल्दी से जाकर के ये बुरक करके जल्दी से आ जाए वहाँ पे, क्या पता जो पंडित जी वहीं पे मिल जाए। यही वाला राइट है भाई, यही वाला है, यही वाला है। कल रात को ये गुड़िया ये तेरे पास थी, फिर तेरे साथ कोई दिक्कत तो नहीं हुई? भाई मैंने डेविल के रूम में रख दी थी, मैंने अपने पास रखी नहीं, पर वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, सुबह मैंने देखा ना तो जहाँ पे रखी थी वहीं पे रखी हुई थी। रास्ता देखो कितना सुनसान हो रखा आज। भाई खाई आ गया देख सामने, आराम से ले यार, देख तो अभी खाई है यार। भाई लेट हो जाएंगे यार, पहले ही 9 बजे ने वाले हैं, अभी और कितना बाकी रह गया भाई, अभी तो पैदल वाला भी तो है यार। भाई कम से कम 1 किलोमीटर वो भी है भाई यार, हमें जाते जाते वहाँ पे घंटा और लग जाएगा। सो गाइस पैदल वाला रास्ता आ चुका है, चल भी गाड़ी लगा देता हूँ यहीं पे। सो गाइस अभी गाड़ी लगा के कच्चे रास्ते पे तो आ चुके हैं, अभी यहाँ से जाना पड़ेगा भाई। लाइट भी एक ही लेके आया आज भाई, चल जल्दी चल यार, अभी 9:35 हो चुके हैं। क्या हो गया भाई? यार पागल है यार तू, ये सीन मत कर भाई। अरे अपने आप ही लिया, मैंने कुछ नहीं किया। साइड से आवाज भी आ रही, किसी जानवर की रोंज वगैरह तो नहीं होगी? वही नीलगाय वगैरह तो नहीं यहाँ पे? भाई हो सकता है भाई, यार खेतों में होता है, पर लेकिन भाई ये देख भाई, ये तार वगैरह भाई बांध तो रखे, तो वो तो यहाँ पे शायद नहीं आएंगे। काफी देर हो गई है चलते चलते, अभी आधा रास्ता ही कवर हुआ है। वही ये डोल की चुन्नी वुन्नी तो नहीं पड़ गई थी उस दिन? देखियो डोल कहाँ है? ये रही ना यार, उस दिन ये तार में उलझी थी, जब तो नहीं पड़ गई थी ये? नहीं ये तो, और भाई साहब मतलब हमारी तरह और भी बंदे ऐसे आते थे यहाँ पे। कह रहा ये तो दूसरी किसी और दूसरी चुन्नी है ना, मतलब यहाँ पे और भी लोग आते हैं भाई, ये चीज करने ये मंदिर बिल्कुल उन्हीं चीजों के लिए भाई, बिल्कुल सही जगह पे। यहाँ पे कुछ जला भी रखा भाई,
धुंध वगैरह भी नहीं है कोई चीज समझ नहीं आ रही भाई। जब हर जगह पे ये तार लगे हुए हैं तो वो ऑलवेज अंदर कैसे आए इसके भाई? ये पूरा चारों तरफ से तारों से कवर हो रखा है। आज भी दीवार कूद के जाना पड़ेगा। तो नहीं लग रहा कि पंडित जी अंदर होंगे। पंडित जी ये देख जली हुई है ये तो। ओ भाई भाई तो वैसा ही है ना जैसे हमारे फ्लैट पे जो वो फूल वगैरह तो वो जले हुए थे बिल्कुल भाई सेम जैसे उस दिन ब्लैक मैजिक में हुआ था। सेम चीज हो रखी है माला के साथ। अब आज भी आ रही है अंदर से कुछ। और ये देखो ये तो बिल्कुल ताजे फूल है। और ये देखो पे माला वाला थैली वैली बांध के क्या कर रखा है भाई। पक्का भाई यहां पे ब्लैक मैजिक रखा है। ये चीज तो आज ही देखी भाई हमने। अंदर तो आ चुके हैं और भाई यहां पे कोई भी नहीं दिख रहा। यार कहां है पंडित जी? लाइट लेके आ इधर। अरे एकदम से ऐसा लगा जैसे वहाँ पे कोई बैठा था भाई। अंदर जाने का तो रास्ता कहाँ से हो सकता है उसका? एक बार देखियो मोहित लाइट मार के। उस दिन तो भाई वो यहाँ से भाई उस चीज से ना वो लकीर खींच दे फिर ये डोल रख देंगे पूरे मंदिर के चारों तरफ मनानी है भाई। वो ये गेट तो खुला हुआ है अंदर से तो भाई तो बाहर से बंद है। वो ये खुला हुआ है। अरे अरे तू बाहर मत जा यार। एक बार बाहर देख तो आते हैं भाई कभी इधर उधर हो। देखियो एक बार इस साइड है क्या भाई। यार ये तो चारों तरफ से तार लगे हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी सारी तरफ देख लिया आसपास कोई भी बंदा नहीं दिखा। और ये गेट भी खुला हुआ था या तो वो भी गया और गेट भी बंद करके नहीं गया भाई। हो सकता है वो वापस आता हो। गेट बंद करके जाता अगर वो वापस नहीं आना होता। मैंने चारों तरफ से भाई वो चला दिया है और उसके बाद भाई अब देखते हैं वो अंदर आ। लास्ट टाइम तो ये बंद था ना भाई। बंद था भाई। देखिए यहाँ पे भी ताला नहीं लगा हुआ। आज तो यहाँ पे भी ताला नहीं लगा हुआ भाई। मतलब वो पंडित जी आएंगे भाई। अभी मेन गेट भी खुला हुआ और ये रूम में जो भी गेट था ये भी खुला हुआ। इस पे ताला नहीं लगा हुआ। तो मैं तो कहता हूँ यार हवन कुंड पे रख करके उसके चारों तरफ से वो जो उसने जो वो समाज है उसके अंदर रेखा बना दो जल्दी से भाई। ये प्लान भी सही है क्योंकि अगर वो उस वाली रेखा से अगर एंटर कर भी गई तो इस वाली रेखा पे नहीं घुस पाएगी। इसको वो उठा नहीं पाएगी बिल्कुल। तो गाइस चारों तरफ इसके बाउंड्री तो बना दी है। कुछ रिस्की चीज होती है तो ये तो सेफ हो जाएगी। और गाइस आज तो 10 बजे के आसपास आ चुके हैं तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पंडित जी वापस आ जाएंगे। लास्ट टाइम ये लाइट कैसे ब्लिंक हो रही थी अब दे बिल्कुल ठीक है ये। भाई यार जैसे ही वो ओल्ड भी जाते हैं तो ये लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। ये चीज मैंने नोटिस आज जैसे फ्लैट पे भी हुई थी घर पे भी हुई थी और यहाँ पे भी हो रही है। वाला वाला सारे पेड़ों वगैरह पे कुछ ना कुछ चीज भी पता नहीं 7-8 चढ़ा रखी थी। पंडित जी कब आएंगे यार पता नहीं भाई। थोड़ी देर लेट। ओए ये कौन खड़ा हुआ है? ओ भाई साहब ओल्ड विच खड़ी हुई है। यार ओल्ड विच है भाई। यार अभी तू आज ये अंदर नहीं आ पा रही क्या? ओए अभी तो ये वहां पे खड़ी हुई थी। वहां पे ना तू नहीं भाई। भाई पेड़ के वहां पे खड़ी हुई थी अभी ये। भाई तो ठीक बोला कि भाई वो भाई अंदर बिल्कुल नहीं आ पाई। अब कहां गई वो? भाई तो गायब हो गई यार। ओए जवाब कहां से आशा वाला कि भाई यार तूने क्या हरकत करी वो पानी वाली। यार ये मेरे को नहीं पता भाई। बता चुप हो जाओ। ओल्ड विच आ रही है। मैं तो हंस रही हूं यार। उसके सामने पड़ी हुई है डोल उनके अंदर भाई। इतनी देर से ये ट्राई कर रही हूं अंदर घुसने का लेकिन जैसे ही तूने लकीरी मिटा दी ना भाई अंदर घुसने का मौका मिल गया। ओए 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 यार उसको दिख गई भाई डोल। भाई सब डोल दिख गई उसको। ये कितनी खतरनाक है भाई। ये कैसे आवाज निकाल दे यार। अरे यार अभी डोल उठा ली गई। और जो डोल को छू ही नहीं पा रही भाई। ये दोबारा उठाने की कोशिश करिए इसको। यार अभी दोबारा उठाना ले। डोल को ले ले यार। डोल चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। डर ही भाई। इसकी डोल चली। दोबारा ट्राई करेगी अभी उठाने की। पता नहीं भाई ये पड़ी लग रहा है इसकी हिम्मत नहीं होगी भाई दोबारा उठाने की। भाई उठी भाई उठे भाई ये भरी ये क्या कर रही है? पंडित तो रो रही है यार। पंडित की बात भाई बिना डोल ले कहा जा रही है भाई। पक्का भाई इसको कुछ ना कुछ भाई हुआ यार।
यार उठा के चले गए डॉल को। अरे पागल है क्या तू, अभी तो बाहर भी नहीं गए। ओए मोई तो रुक जा रुक जा, ये भाई सब जल्दी निकलो यहाँ से, मोई जल्दी निकल यहाँ से। अरे यार, अरे क्या हो गया, हाथ में लग गया यार। ओए भाई जल्दी चल, बहुत पीछे से आवाज आ रही है मोहित। भाई साहब पीछे तो नहीं आ रही यार, भाई जल्दी निकल यार यहाँ से। तो अगर तू पानी नहीं गिराता ना, वो अंदर नहीं आ पाती है। ये रहा रास्ता, अरे बता भाई, तभी तो पता चलेगा भाई कहाँ गए। और जंगल में जा रहा था यार तू। अब क्या सीन था भाई वहाँ पे। ओए ओए ओए, लाइट ब्लिंक कर रही है भाई। भाई लाइट कैसे ब्लिंक? ओ भाई ये कौन है? ओल्ड ओल्ड भी छोड़ दिया भाई सामने। बैग ले ले, बैग ले ले जल्दी। भाई लाइट ब्लिंक कर रही है यार, ये किस साइड आ रही है यार? ओ भाई साहब, इसने तो अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। जल्दी चल यार पीछे ले, और किसी रास्ते से ले ले भाई। यार कहाँ फंसा दिए अब तो यार, सेम रास्ता इस पतले से रास्ते पे कहाँ जाएंगे यार। अब चल लेफ्ट है, अब लेफ्ट, अब राइट है भाई। सो भाई जस्ट अभी मेन रोड पे आने ही वाले। भाई साहब कैसे जंगल से निकल के आए हैं भाई? इस वहां से तो निकल के आ चुके थे, और भी आज पंडित की इतनी वेट करी, पंडित जी तो आए नहीं। वो आने वाला था पर उससे पहले वो ओल्ड भी आ गई भाई। एक नंबर की चीज दे रखी थी, वो सारी रेखा बना गए। वो किसी है ना अपने साथ, एक काम करियो अब घर पे भी रखे ना, उसके गोल दारा बना के उसके अंदर रख दो भाई। वहां से बस तो गई भाई, वो डोल तो बच गई ना, वो डोल के ऊपर थी तो सही ना। वो भाई डोल के इतनी पास पहुंच गई थी, वो उठाने वाली थी, ट्राई भी किया भाई। वो कोशिश तो बहुत देर की कर रही थी, पर उस रेखा के चक्कर में वो अंदर ही नहीं आ पाई। और भाई इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो रेखा हम दोबारा बना दे, इतने में तो अंदर ही आ गई भाई। वो इतनी देर से वेट ही तो कर रही थी। घर साइड जा रहे हैं, डोल भी लेके जा रहे हैं, पर डेविल के रूम में रखे, उसके चारों तरफ वो रेखा बना दो, और भी ज्यादा सेफ रहेगी भाई। एक काम करें, कल दिन में चलेंगे वहाँ पे, इससे कुछ दिक्कत हो भी जाती है ना, वो हमारे सामने आ जाती है तो उसके ऊपर फेंक देंगे वो चीज भाई। इस वीडियो को यही एंड कर दे, कल दिन में ही चलेंगे पंडित के पास।